ब्रेकअप, इस लफ्ज पर हर इंसान का रिएक्शन अलग ही होता है। माँ बाप प्यार से पुचकार देते हैं, बहन बोलती है मेरे लिए भाभी तो मैं ही ढूंढूंगी, भाई बोलता है ब्रो यू डिजर्व समवन बेटर, और यार कमीने बोलते हैं छोड़ना यार चल दारू पीते हैं। पर उस इंसान के दिल पर क्या बीतती है जिसका ब्रेकअप होता है, ये सिर्फ वही समझ सकता है। हंसी टूट जाती है, सांसें रूठ जाती हैं, जीने की वजह ढूंढने की कोशिश करो तो वो भी नहीं मिलती, और मौत वो तो डरा ही देती है। शुरू से जो ख्वाब देखे थे और जो उस इंसान ने हमें दिखाए थे वो सब खत्म। यकीन ही नहीं होता कि कल तक जिस इंसान के साथ हर पल बिताया करते थे अब वो बस एक ख्वाब बन के रह जाएगा। खुली आंखें रुलाए रहती हैं और बंद आंखें भी सोने नहीं देती। जब भी आंखें बंद करता हूं वो जो सारे लम्हे बिताए थे संग, उन लम्हों का जब सिलसिला शुरू होता है तो जिस्म से लेकर रूह तक सब कुछ तोड़ के रख देता है। वो सारे लम्हे जो हमने संग गुजारे थे, एक दूसरे की बाहों में, एक दूसरे की राहों में। वजह चाहे कोई भी हो पर रिश्ता तो अपना था ना। सोचता हूं, खुद से सवाल करता हूं कि क्या वजह को ठीक किया नहीं जा सकता? क्या फिर से पहले जैसा वो सब कुछ हो नहीं सकता जो हुआ करता था? क्या फिर से तुम मेरी राहों में नहीं आ सकते? क्या फिर से तुम मेरी इन बाहों में नहीं आ सकते? कई बार लोग समझ नहीं पाते उस दर्द को जो वो दे जाते हैं, महसूस नहीं कर पाते उस तकलीफ को जो वो दे जाते हैं। शायद उनके लिए बहुत आसान होता है किसी को बीच राह छोड़कर यूं चले जाना, किसी को सपने दिखा के उन्हीं सपनों को किसी और के साथ पूरा करना। और जिस पे बीत रही है वो क्या करे, उसको तो बीच राह छोड़ दिया ना तुमने, उसके लिए तो सारी जिंदगी की सजा हो गई ना, क्योंकि वो तो अब किसी को अपने दिलो जान से एक्सेप्ट कर नहीं पाएगा, किसी को 100% दे नहीं पाएगा, किसी को पूरा दिल से चाह नहीं पाएगा, पूरे दिलो जान से मोहब्बत कर नहीं पाएगा। ये नहीं समझ पाते लोग। उनके लिए आसान होता है किसी को यूज करना, किसी को बीच रास्ते पर छोड़ देना कि जा संभाल ले खुद को, छोड़ दिया तुझे। थोड़ा सोचना चाहिए ना एक इंसान को कि क्यों किसी को झूठे सपने दिखाने जबकि तुम्हें पता है शुरुआत से कि तुम उसे पूरा कर नहीं पाओगे। क्यों किसी से झूठे वादे करके ऐसे सपने दिखाना जिनका कभी तुम हिस्सा भी नहीं बन पाओगे? नहीं ठीक है, तुम्हें अगर ये फैसला लेना है कि तुम्हें ये रिलेशनशिप नहीं रखनी, ब्रेकअप करना है, तो ठीक है, आज तक सारे फैसले तो तुम ही लेते आए हो, तो ये भी ठीक। मेरे लिए तुमने कुछ छोड़ा वैसे भी ना पहले था और ना आज, जब मन करा आ गए, जब मन करा चले गए, यही तो औकात है मेरी, यही औकात थी मेरी तुम्हारे आगे। खैर, जिस इंसान को रहना होता है ना वो हर दौर में साथ होता है, मैंने यही सीखा है। और जिसे नहीं रहना होता है, जिसे छोड़ के जाना होता है, उसे कभी रोकना वैसे भी नहीं चाहिए। क्या फायदा ऐसे इंसान को रोक कर, वो कभी नहीं रुकेगा, और अगर रुक भी जाएगा तो वो भीख में तुम्हें प्यार देगा, भीख में तुम्हें इज्जत देगा, भीख में तुम्हें अपना वक्त देगा, भीख में तुमसे बात करेगा। तो किसी की भीख नहीं चाहिए यार, नहीं चाहिए मुझे किसी की भीख। अब ठीक है, अगर तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। अब इस फैसले में कोई बदलाव मैं नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी मेरी है। ये मेरी गारंटी है कि कल को अगर तुम ये फैसला लेते हो कि तुम लौट कर आओगे मेरी जिंदगी में वापस, तो अब ये दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब ये दरवाजे कभी नहीं खुलेंगे तुम्हारे लिए, ये बात याद रखना।